हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय ट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद अच्छे होंगे और आपका गेम प्ले बहुत अच्छा चल रहा होगा। तो मैं फिर आ चुका हूं अपने चैनल पे एक और नए वीडियो के साथ। और आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो के अंदर मैं बात करने वाला हूं फ्री फायर में आने वाले अपकमिंग वेपन रॉयल के बारे में। जो हमारा अगला वेपन रॉयल आने वाला है उसी के बारे में मैं आज के इस वीडियो में पूरा डिटेल्स में बात करूंगा। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को भी लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आइए अब देर अंदर की वीडियो में आगे बढ़ते हैं एक इंट्रो के बाद। तो फ्रेंड्स, इंट्रो के बाद आप सबका फिर से एक बार स्वागत है। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, ये रहा AN94 का एक और नया स्किन, जो कि आज से ठीक 4 दिन बाद हमें वेपन रॉयल के अंदर देखने को मिलने वाला है। अगर बात किया जाए इस गन की एबिलिटी का, तो इसके अंदर हमें रेट ऑफ फायर डबल देखने को मिलता है, रेंज सिंगल देखने को मिलता है और मैगजीन माइनस देखने को मिलता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन बात है। अगर मैं बात करूँ इस गन के एनिमेशन का, तो बहुत ही तगड़ा है। इसका एनिमेशन बहुत ही अच्छा लग रहा है दिखने में, एकदम कमाल का है इसका एनिमेशन। तो फ्रेंड्स, यहाँ तक तो हमने बात किया इस गन स्किन के एबिलिटी के बारे में और इसके डिजाइन के बारे में, और अब हम बात करेंगे इस गन के परफॉर्मेंस के बारे में कि ये वाला गन स्किन गेम के अंदर कितना करके डैमेज देता है, कितना बेहतर साबित होता है गेम के अंदर। तो इसीलिए मैं इस गन को कंपेयर करूंगा क्यूपिड स्कार के गन स्किन से और AN94 के गोल्डन वाले गन स्किन से। अगर बात करूं मैं तीनों गन के एबिलिटी का, तो AN94 के नए वाले गन स्किन के अंदर रेट ऑफ फायर डबल है, रेंज सिंगल है और मैगजीन माइनस है। क्यूपिड स्कार के अंदर डैमेज सिंगल है, रेट ऑफ फायर डबल है और रेंज माइनस है। और AN94 के गोल्डन वाले गन स्किन के अंदर डैमेज डबल है, एक्यूरेसी सिंगल है और मैगजीन माइनस है। तो फ्रेंड्स, फाइनली अब हम देखने वाले हैं कि AN94 का ये नया वाला गन स्किन इन दोनों गन स्किन के मुकाबले कितना डैमेज देता है गेम के अंदर। सबसे पहले मैं शुरुआत करूंगा सबका फेवरेट क्यूपिड स्कार गन स्किन से। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, मैं अभी लॉबी के अंदर और मेरे हाथ में है क्यूपिड स्कार, और अब हम देखेंगे कि एनिमी के ऊपर इसका डैमेज रेट कितना करके आता है। जैसा कि आप लोगों ने देखा, क्यूपिड स्कार गन स्किन लॉबी के अंदर 22 और 30 करके डैमेज दे रहा था। ये तो हो गया क्यूपिड स्कार का बात, और अब हम वीडियो में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे AN94 के गोल्डन वाले गन स्किन का। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, मेरे हाथ में अभी AN94 का गोल्डन वाला गन स्किन, और अब हम देखेंगे कि इसका डैमेज रेट एनिमी के ऊपर कितना करके होता है। तो फ्रेंड, जैसा कि आप लोगों ने देखा, AN94 का गोल्डन वाला गन स्किन एनिमी के ऊपर 30 करके डैमेज दे रहा था। यहाँ तक तो हमने देखा क्यूपिड स्कार का डैमेज और AN94 के गोल्डन वाले गन स्किन का डैमेज। तो फ्रेंड्स, अब हम देखेंगे AN94 के नए वाले गन स्किन का डैमेज, जो कि अभी गेम के अंदर आया तक नहीं है। तो फ्रेंड्स, इस बात के लिए एक लाइक तो बनता है, क्योंकि अभी तक ये वाला गन स्किन गेम के अंदर आया तक नहीं है और मैं आपको इस गन का पूरा डैमेज रिव्यू देने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर। तो इस बात के लिए एक लाइक कर दीजिएगा। अगर आप नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जैसा कि आप लोग वीडियो में देख पा रहे हैं, ये रहा AN94 का नया वाला गन स्किन, जो कि आज से ठीक 4 दिन बाद हमें वेपन रॉयल के अंदर देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं इसके डैमेज का, ये कितना करके डैमेज देता है गेम के अंदर। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, एनिमी के ऊपर 27 और 36 करके डैमेज दे रहा है, जो कि बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन बात है। तो फ्रेंड्स, ये पूरा कंपैरिजन वीडियो देखने के बाद तो आपको पता ही चल गया होगा कि इन तीनों गन स्किन में से कौन सा गन स्किन सबसे बेस्ट है। क्यूपिड स्कार 30 करके डैमेज देता है, AN94 का गोल्डन वाला गन स्किन भी 30 करके डैमेज देता है, और AN94 का नया वाला गन स्किन गेम के अंदर 36 करके डैमेज देता है। इन दोनों से बहुत ही बेहतर डैमेज देता है ये वाला गन स्किन। ये गन स्किन बहुत ही अच्छा है। अगर वेपन रॉयल में ये गन स्किन आए तो आप लोग प्लीज़ इसे ज़रूर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि मेरा ये कंपैरिजन वीडियो आप सबके लिए यूज़फुल साबित होगा। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, और मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा।